हमारे बीच उदयपुर से एक ऐसा गीतकार आया है, आप लोगों ने कविताएं वीर रस की आक्रोश के तेवर की अभिव्यक्ति में बहुत सुनी होंगी, लेकिन गीत के माध्यम से जब हम लोग उस छुअन को छूते हैं तो एक अनुभूति विशेष होती है, और उस विशेष अनुभूति के लिए ही मैं उनको यहां पर लेकर के आया हूं। मेरा बहुत मन है कि भाई सुल्तान उदयपुरी आप तक अपनी बात पहुंचाएं। नवकार चैनल हमारे सामने है, तमाम बड़े चैनल हमारे सामने हैं, इनके माध्यम से पूरा विश्व आज घर बैठे कविता को सुन रहा है। उन लोगों के सामने मैं ऐसे कवियों को भी आमंत्रण देना चाहता हूं जो वास्तव में शिल्प के माध्यम से अपनी कविता आप तक पहुंचाएं। मेरे इस निमंत्रण पर एक बार तालियों के हस्ताक्षर आप करें तो और अधिक आनंद आए। जोरदार तालियों से आमंत्रण दें भाई सुल्तान उदयपुरी। अपने माता पिता की पावन स्मृति को प्रणाम करता हूं जो कहीं स्वर्ग से मुझे निहार रहे होंगे, आशीष दे रहे होंगे। मां शारदा को प्रणाम करता हूं, भगवान महावीर के चरणों में प्रणाम करता हूं, और विशेष प्रणाम करता हूं बड़े भाई सौरभ जैन सुमन जी को, जिनकी बदौलत आज मैं जहां खड़ा हूं, मैं कविता के मुकाम पर या इस मंच पर, दोनों जगह उन्हीं की बदौलत। एक बार जोरदार तालियां उनके सुंदर संचालन के लिए। जी भैया, चार पंक्तियों से आरंभ होना चाहता हूं। मैं इस मंच का सबसे छोटा नोट हूं, मान लीजिए 10 का नोट। कटा हो, फटा हो, टूटा हो, फूटा हो, चल ही जाता है। बाकी जितने बैठे हैं उसे 500 के और हजार हजार के नोट हैं। और आज से 4 महीने 6 महीने पहले जितने भी नोट बंद हुए थे वो सब ताली वाली आए तो लगे कवि सम्मेलन हो रहा है। अभी सौरभ भाई, भाई हिमांशु नेताओं का जिक्र कर रहे थे, अपने तो कमाल के यूपी के भैया यूपी से हैं, यूपी के कमाल के नेता, वो एक जाट नेता थे, उन्हें एक सभा को संबोधित करने के लिए बुला लिया, युवाओं की सभा थी, सभा इस विषय पर थी कि युवा आजकल आत्महत्या बहुत कर रहे हैं, इनको रोका जाए। तो अगले ने आके भाषण देना शुरू किया, देखो भाई युवाओं एक बात कहना चाहता हूं, आत्महत्या करना बहुत बुरी बात है, बहुत गलत बात है, ट्रेन से कटकर, गोलियां खाकर, फांसी लटकाकर मरना बहुत कठिन काम है, इससे अच्छा तो आदमी गोली मार ले। चार पंक्तियों से आरंभ होता हूं। हाँ भैया, भगवान महावीर के नाम के चार अक्षरों से कुछ मांगने का प्रयास किया है। कहते हैं कि भगवान के दर पे जब भी हम जाते हैं कुछ ना कुछ मांगने जाते हैं। मैंने क्या मांगा है, अजैन होते हुए क्या मांगा, आप तक बात पहुंचे तो आशीर्वाद दीजिएगा। आइए भाई सब, कहीं भी दो आदमियों का स्थान देखकर विराज जाइए। हाँ, देख क्या रहे हैं, जब पुरुषों में ही बैठना है तो देखना ही क्या। एक बार जोरदार ताली बजा के मुझे आप सूचित करें कि आप जाग रहे हैं। हाँ सुल्तान। मैं से मन के विकार दूर करो मेरे प्रभु, आत्मा को मेरी बुरी वृत्ति से बचाइए। मैं से मन के विकार दूर करो मेरे प्रभु, आत्मा को मेरी बुरी वृत्ति से बचाइए। है से हनुमान जैसा संयम सिखाओ मुझे, देश भक्ति स्वामी भक्ति प्रभु सिखलाइए। है से हनुमान जैसा संयम सिखाओ मुझे, देशभक्ति स्वामी भक्ति प्रभु सिखलाइए। और वैसे विषवासना से दूर रहूं मैं हमेशा, वैसे विषवासना से दूर रहूं मैं हमेशा, वीरता ही मेरे अंग अंग में बसाइए। वैसे विषवासना से दूर रहूं मैं हमेशा, वीरता ही मेरे अंग अंग में बसाइए। रहसे रहूं भारत के किसी कोने में भी कहीं, रहसे रहूं भारत के किसी कोने में भी कहीं, कर्म से तो मुझे प्रभु जैन ही बनाइए। कर्म से तो मुझे प्रभु जैन ही बनाइए, कर्म से तो मुझे प्रभु जैन ही बनाइए। चार पंक्तियां और प्रभु के चरणों में रखता हूं, आप तक बात पहुंचे। के कोटि अभिनंदन है, कोटि कोटि वंदन है। आप भी अगर वंदन करें तो अंतिम पंक्तियों में तालियों के साथ मुझसे जुड़ जाना, बात अच्छी लगे तो।
भगवान के चरणों में चार पंक्तियां रखता हूं कि कोटि अभिनंदन है, कोटि कोटि वंदन है, ऋषि ज्ञानी मोक्ष तेरा नाम रट जाते हैं। कोटि अभिनंदन है, कोटि कोटि वंदन है, ऋषि ज्ञानी मोक्ष तेरा नाम रट जाते हैं। और बोले मुख माटी तेरा नाम घट घट वासी, खुशियों से दुख के जलधि पट जाते हैं। और तृप्त होवे मन कटे संकट के वन तुम्हें, तृप्त होवे मन कटे संकट के वन तुम्हें, ध्याने से विकारों के तो घन छट जाते हैं। तृप्त होवे मन कटे संकट के वन तुम्हें, ध्याने से विकारों के तो घन छट जाते हैं। और त्रिशला के लाल तो कमाल बेमिसाल, तेरे नाम से ही दुखियों के दुख कट जाते हैं। नाम से ही दुखियों के दुख कट जाते हैं, नाम से ही दुखियों के दुख कट जाते हैं। अभी भैया हिमांशु ने कहा कि दिगंबर स्वरूप को देखकर लोगों ने हंस दिया। मैं बताना चाहता हूं, दिगंबर स्वरूप केवल दो ही जगह मान्य किया गया है, या तो अबोध बच्चों में या हमारे दिगंबर जैन संतों में। भाई वाह वाह वाह, इसके अन्यत्र कहीं भी दिगंबर स्वरूप को स्वीकार नहीं किया गया संसार में। चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं उन लोगों के नाम जो ऐसी धृष्टता ऐसी गलती कर गए कि आचार्य श्री को कहीं देखा और हंस दिए। पंक्तियां सुनिएगा साहब। हाँ भैया। के ऋषि होना बड़े गर्व की है बात, दुनिया में नहीं है सहज, जरा सोच कर देखिए। ऐसे ही नहीं बन जाता कोई। के ऋषि होना बड़े गर्व की है बात, दुनिया में नहीं है सहज, जरा सोच कर देखिए। व्यसनों से दूर रहे दुनिया को देते दिशा, आप भी किसी के आंसू पहुंच कर देखिए, आप भी किसी के आंसू पहुंच कर देखिए। और नंगे पांव रहना सदा, सोना सदा धरती पे, नंगे पांव रहना सदा, सोना सदा धरती पे, बड़े हैं आदर्श जरा पहुंच कर देखिए। नंगे पांव रहना सदा, सोना सदा धरती पे, बड़े हैं आदर्श जरा पहुंच कर देखिए। और यूं ही कोई नहीं बन जाता है दिगंबर, यूं ही नहीं कोई बन जाता है दिगंबर, अपने ये केश जरा नोच कर देखिए, अपने ये केश जरा नोच कर देखिए, अपने ये केश जरा नोच कर देखिए। आइए धारा को जरा मोड़ता हूं, मुझे एक घटना याद आती है, उससे आपको जोड़ता हूं और अपनी बात आरंभ करता हूं। हाँ भैया। हाँ। एक 23 वर्षीय बेटा आजादी से पहले दिल्ली में मैं खड़ा हुआ काव्य पाठ कर रहा हूं, दिल्ली की जेल में दंड बैठक लगा रहा था। शाम के समय अंग्रेज जेलर बैरिक से गुजरे, उन्होंने देखा और कहा, अरे क्या करता है। उस बेटे ने, उस मां भारती के लाल ने उसी निर्भीकता से जवाब दिया, दिखाई नहीं दे रहा, तेल मालिश कर रहा हूं, दंड बैठक लगा रहा हूं। अंग्रेज जेलर ने पूछा, क्या नाम होता है तुम्हारा। उसने उसी शेर की दहाड़ में आवाज दी, मेरा नाम होता है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। जेलर ने कहा, अच्छा तुम बिस्मिल हो, तुम्हें मालूम है, तुम जानते हो कि कल सुबह 4 बजे तुम्हें फांसी लगने वाली है, क्या करोगे तेल मालिश का, क्या करोगे शरीर को बलिष्ठ बनाकर दंड बैठक लगाकर। उस बेटे ने जवाब दिया, जवाब आप तक पहुंचे तो आशीर्वाद देना। उस बेटे ने कहा कि जेलर साहब, ये तो मैं जानता हूं कि कल सुबह 4 बजे मुझे फांसी लगने वाली है, लेकिन आप ये नहीं जानते, आपको ये मालूम नहीं है कि मां भारती को मुरझाए हुए फूल पसंद नहीं है, इसलिए शरीर को तरोताजा कर रहा हूं ताकि मां भारती के चरणों में चढ़ा सकूं। मैं चार पंक्तियां ऐसे अनाम बेटों के नाम देना जाता हूं। भैया सौरभ जी मेरठ से हैं, क्रांति धारा 1857 में पहली ज्वाला वहीं से फूटी, चार पंक्तियां उसी धारा के नाम पढ़ना चाहता हूं। हाँ भैया स्वागत। कि नाम वालों को तो सब करते प्रणाम, मेरे असंख्य अगणित अनाम को प्रणाम है। नाम वालों को तो सब करते प्रणाम, मेरे असंख्य अगणित अनाम को प्रणाम है। आजादी के दुर्ग में जो नींव की बने हैं ईंटों, निरणों बांकुरों के काम को प्रणाम है। आजादी के परवानों को झुकाता शीश सदा, आजादी के परवानों को झुकाता शीश सदा, शहीदों के हर एक धाम को प्रणाम
नाम है, और जिसमें बना था मुद्दा चर्बी वाला कारतूस, जिसमें बना था मुद्दा चर्बी वाला कारतूस, मेरठ के पहले संग्राम को प्रणाम है, मेरठ के पहले संग्राम को प्रणाम है, मेरठ के पहले संग्राम को प्रणाम है। मातृशक्ति बहुतायत में बैठी है, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, और चार पंक्तियां माताओं के नाम पढ़ना चाहता हूँ। हाँ भैया, उन माताओं के नाम पढ़ना चाहता हूँ जिन्हें मैं राष्ट्र माताएं कहता हूँ। चार पंक्तियों में चार नाम गिनाऊंगा, आपको लगे कि वो सारी राष्ट्र माताएं कहलाने की अधिकारी हैं, तो आपका भी इस बार आपकी चेतना चाहता हूँ, आपकी तालियां चाहता हूँ, निवेदित करता हूँ। हाँ भैया, कि अंग्रेजों को जीते जी न घुसने दिया किले में, झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई को प्रणाम है। के अंग्रेजों को कमजोर तालियां कहने की हिम्मत, कहने की ताकत को कमजोर करती है, या तो तालियां आए ना आए तो फिर उसी समर्थन में आए जिस हिम्मत के साथ मैं यहां से बोल रहा हूं। बहुत अच्छे भैया। के अंग्रेजों को जीते जी न घुसने दिया किले में, झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई को प्रणाम है। राष्ट्र के लिए सुपुत को जो बना दे शिवाजी, ऐसी राष्ट्र माता जीजाबाई को प्रणाम है। राष्ट्र के लिए सुपुत को जो बना दे शिवाजी, ऐसी राष्ट्र माता जीजाबाई को प्रणाम है। आको आगे पुत्र को जो राष्ट्र पे चढ़ा दे बलि, आको आगे पुत्र को जो राष्ट्र पे चढ़ा दे बलि, ऐसी छत्राणी पन्ना माई को प्रणाम है। आको आगे पुत्र को जो राष्ट्र पे चढ़ा दे बलि, ऐसी छत्राणी पन्ना माई को प्रणाम है। और भाई बैठे हैं कान पे वो लगाए हुए, जो भैया हमारे कैमरे वाले जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपको प्रणाम करता हूं, आपकी तालियां चाहता हूं। क्या आंखों आगे पुत्र को जो राष्ट्र पे चढ़ा दे बलि, ऐसी छत्राणी पन्ना माई को प्रणाम है। और जिसने जन्म दिया सिंह सा भगत सिंह, जिसने जन्म दिया सिंह सा भगत सिंह, शेरणी से विद्यावती माई को प्रणाम है, शेरणी से विद्यावती माई को प्रणाम है, शेरणी से विद्यावती माई को प्रणाम है। पिछले दिनों दिल्ली में एक घटना घटी साहब, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दो छंद पढ़ना चाहता हूं। दुख इस बात का नहीं कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, दुख इस बात का है कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। तब चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं ऐसे देशद्रोहियों के नाम, जो देश की खाते हैं, देश में रहते हैं और देश के विरुद्ध नारे लगाते हैं। चार पंक्तियां सुनना। 3 साल कानून पढ़ा साहब, और कानून पढ़ने के बाद ये पता चला कि देशद्रोही को या तो उम्र कैद होती है या फांसी। तब चार पंक्तियां पढ़ता हूं। हाँ भैया, स्वागत। कि राष्ट्र के लिए ना राष्ट्र प्रेम जिनके दिलों में, राष्ट्रद्रोहियों में उनके भी नाम लिखिए। राष्ट्र के लिए ना राष्ट्र प्रेम जिनके दिलों में, राष्ट्रद्रोहियों में उनके भी नाम लिखिए। हिंदू मुस्लिम होवे सिख या ईसाई कोई, राष्ट्रद्रोहियों का पुख्ता इंतजाम लिखिए। देशद्रोही को है संविधान में सजाए मौत, देशद्रोही को है संविधान में सजाए मौत, चौराहों पे मिले सजा ऐसी मांग लिखिए। देशद्रोही को है संविधान में सजाए मौत, चौराहों पे मिले सजा ऐसी मांग लिखिए। देश में जो कोई पाकिस्तान के लगाए नारे, उनको सजाए मौत सरेआम लिखिए, उनको सजाए मौत सरेआम लिखिए, उनको सजाए मौत सरेआम लिखिए। और अगर मैं सजा देता तो कैसे देता, चार पंक्तियां वो पढ़ना चाहता हूं। और आपको लगे कि मैंने कहीं आपके मन की बात कह दी तो जो पीछे तक लोग बैठे उनका समर्थन मिले। कि पागल स्वान भौंके कोई रास्ते में आपको, तो आदिकाल से एक परंपरा रही है साहब, जब कोई कुत्ता, कोई घोड़ा, कोई हाथी पागल हो जाता है तो उसे गोली मार दी जाती है। और पाकिस्तान की स्थिति, चीन की स्थिति इस समय कैसी है, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। तब पंक्तियां पढ़ता हूं, आप तक बात पहुंचे। हाँ भैया। कि पागल स्वान भौंके कोई रास्ते में आपको, तो गोली मारने का है विधान डांट दीजिए। और फैल के जो राह में खिलाफ देश के खड़ा हो, कांटों वाले झाड़ के समान छांट दीजिए। और सीखो अमरीका से मिटाया है लादेन कैसे, सीखो अमरीका से मिटाया है लादेन कैसे, शत्रु के इरादों पे बर्फ पाट दीजिए। और देश में जो कोई पाकिस्तान के लगाए नारे, देश में जो कोई पाकिस्तान के लगाए नारे, उसी क्षण उसकी जबान काट दीजिए, उसी क्षण उसकी जबान काट दीजिए, उसी क्षण उसकी जबान काट दीजिए, उसी क्षण उसकी जबान काट दीजिए। हम तो वो हैं साहब कि अगर ईश्वर
स्वयं भी राष्ट्र के विरुद्ध आकर खड़े हो, स्वयं देवराज इंद्र भी आकर खड़े हो, तो उन्हें ऐसे ललकार सकते हैं, चार पंक्तियां देता हूं कि भगवान से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं हिंदुस्तानी बेटे। अगर बात अच्छी लगे तो आशीर्वाद देना, ईश्वर के विरुद्ध जाने की कोशिश कर रहा हूं। पंक्तियां सुनना साहब। हाँ भैया। कि देश के विरुद्ध सेना इंद्र की भी आएगा, बढ़ इंद्र देव का भी रथ रोक देंगे हम। बात कड़वी है लेकिन अच्छी लगे तो आशीर्वाद देना। के देश के विरुद्ध सेना इंद्र की भी आएगा, बड़ इंद्र देव का भी रथ रोक देंगे हम। देश को अखंड रखने के लिए तन मन धन संग सारा सैन्य बल झोंक देंगे हम। और इंच इंच टुकड़ों में बटे चाहे देह सारी, इंच इंच टुकड़ों में बटे चाहे देह सारी, कश्मीर में से सुई की ना नोक देंगे हम। इंच इंच टुकड़ों में बटे चाहे देह सारी, कश्मीर में से सुई की ना नोक देंगे हम। और शेर की दहाड़ सुन घुस तेरे पाक में ही, शेर की दहाड़ सुन घुस तेरे पाक में ही, एक एक सीने में तिरंगा ठोक देंगे हम। एक एक सीने में तिरंगा ठोक देंगे हम, एक एक सीने में तिरंगा ठोक देंगे हम। और समझाता हूं पाकिस्तान तक बात पहुंचे पाकिस्तान को, क्योंकि हम ओज वाले जब तक पाकिस्तान को नहीं निपटा लेते तब तक चैन भी नहीं आता। पंक्तियां सुनना सब, आप तक बात पहुंचे। और जितने युवा हैं इस बार उनका समर्थन चाहता हूं। पंक्तियां सुनना। कि देश में जो कोई आतंकी अब पाया गया, मत ये समझना कि छोड़ दिया जाएगा। देश में जो कोई आतंकी अब पाया गया, मत ये समझना कि छोड़ दिया जाएगा। और हाथियों के झुंड से तू बैर ले रहा है, मोल पल में ही गन्ने जैसा तोड़ दिया जाएगा। हाथियों के झुंड से तू बैर ले रहा है, मोल पल में ही गन्ने जैसा तोड़ दिया जाएगा। फांसियों पे टांगे गए अफजल कसाब जैसे, फांसियों पे टांगे गए अफजल कसाब जैसे, यूं ही टांगा जाएगा, मरोड़ दिया जाएगा। फांसियों पे टांगे गए अफजल कसाब जैसे, यूं ही टांगा जाएगा, मरोड़ दिया जाएगा। और ओछी हरकतों से बाज आ जाए ना पाक पाक, वरना फिर हिंद में ही जोड़ दिया जाएगा, वरना फिर हिंद में ही जोड़ दिया जाएगा, वरना फिर हिंद में ही जोड़ दिया जाएगा। मैं कारगिल युद्ध की तरफ जाना चाहता हूं। कारगिल युद्ध में बहुत सारे बेटे देश ने न्योछावर किए, उनमें से मेरठ ने, भाई सौरभ जैन सुमन जी के मेरठ शहर ने भी मेजर मनोज तलवार को खोया। भैया बड़ौद से बैठा है मेरा भाई, मेरठ ने अगर मनोज तलवार को खोया तो बड़ौद ने 23 वर्षीय बेटा धीर सिंह खोया। कहते हैं कि धीर सिंह शादी के अगले रोज युद्ध भूमि में चला गया, उसके हाथ का कंगना नहीं खुलाता साहब। 8 दिन बाद तिरंगे में लिपटा हुआ उसका शव, उसका पार्थिव शरीर उसकी ड्योढ़ी पर आया। मैं काफी छोटा था, अब से लगभग 15-16 साल पहली बात है, वहां गया तो पता लगा एक चिट्ठी घर वालों ने लिखकर भेजी, उस तक पहुंची नहीं पहुंची मुझे नहीं पता। मैं वो चिट्ठी पढ़ता हूं, चार पंक्तियां मैंने अपनी तरफ से कही हैं, और चार पंक्तियों में जवाब लिखा। अगर वो बेटा लिखता तो क्या जवाब लिखता। पंक्ति आप तक पहुंचे। स्वागत। पीठ पे ना खाना गोली माँ ने लिख भेजाया है। एक माँ, एक पिता, एक पत्नी, एक बहन क्या उम्मीद करती है एक सैनिक से, जो भाई, जो बेटा सीमा पर युद्ध लड़ रहा है, उसी को कहने का प्रयास किया है। हाँ, के पीठ पे ना खाना गोली माँ ने लिख भेजाया है, बहन लिखे राखियों का कर्ज भी चुकाइए। और पत्नी लिखे है मेरी सौत मौत संगनी हो, ध्यान रहे पीठ ना अरी को दिखलाइए। पिताली के पाक के इरादों का कफन बुन, पिताली के पाक के इरादों का कफन बुन, युद्ध में प्रताप सा प्रताप जलकाइए। नजर जो उठे मात भारती के भाल पे, तू वही शीश काट गंगा मात को चढ़ाइए, तो वही शीश काट गंगा मात को चढ़ाइए। क्या जवाब भेजा होगा उस बेटे ने। चार पंक्तियां पढ़ता हूं आप तक पहुंचे। और प्रणाम करता हूं मेजर मनोज तलवार को और धीर सिंह को, दोनों को। के रोके ना रुकेगा ये सैलाब युद्ध भूमि बीच, इतने मनोज धीर वीरता दिखाएंगे।
कि रोके ना रुकेगा ये सैलाब युद्ध भूमि बीच, इतने मनोज धीर वीरता दिखाएंगे। पाक तालिबान चाहे चीन शत्रु राष्ट्र को इस सारे दुश्मनों को काट काट चले आएंगे। और हिम के शिखर पे लहराएगा तिरंगा ध्वज, हिम के शिखर पे लहराएगा तिरंगा ध्वज, सारे संसार को यह बात समझाएंगे। और चंद घंटों की अनुमति घर दे दे दिल्ली, चंद घंटों की अनुमति घर दे दे दिल्ली, सीने बीच पाक के तिरंगे गाड़वाएंगे, इस्लामाबाद में तिरंगे गाड़वाएंगे, इस्लामाबाद में तिरंगे गाड़वाएंगे, इस्लामाबाद में तिरंगे गाड़वाएंगे। एक गीत पढ़ना चाहता हूँ दादा, अगर अनुमति हो। एक गीत पढ़ना चाहता हूँ, भैया ने जिस की ओर मुझे इशारा किया था वो गीत पढ़ना चाहता हूँ साहब। चार पंक्तियां पढ़ता हूँ उन बूढ़े माँ बाप के नाम जो अपने इकलौते बेटे को न्योछावर कर देते हैं राष्ट्र पे, तो क्या महसूस करते होंगे, क्या गुजरती होगी उन पे, चार पंक्तियां सुनना। और जो मेरे बड़े बैठे हैं परिवार के यहां, जो बुजुर्ग बैठे हैं, इस बार उनका आशीर्वाद चाहता हूं। रगों में आग मेरे देह में भूचाल आता है, वरन करते हैं मृत्यु वे उन्हें कब काल खाता है, उन्हीं के जानते माँ बाप क्या दिल पर गुजरती है, उन्हीं के जानते माँ बाप क्या दिल पर गुजरती है, तिरंगे में लिपट कर जब किसी का लाल आता है, तिरंगे में लिपट कर जब किसी का लाल आता है। गीत पढ़ता हूं साहब, हिंदुस्तान में तमाम लोग रहते हैं जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई विभिन्न धर्मों जातियों से जुड़े हैं, लेकिन मेरा प्रश्न है देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति से। पहली दो पंक्तियां गीत का जो स्थाई है, जो मुखड़ा है, वो प्रश्न है, आप तक बात पहुंचे। स्वागत है। ये भारत की भूमि यहां सब धर्मों का इंसान बसा, ये भारत की भूमि यहाँ सब धर्मों का इंसान बसा, मैं पूछूं कितने लोगों के दिल में हिंदुस्तान बसा, मैं पूछूं कितने लोगों के दिल में हिंदुस्तान बसा। अगर आपके तालियां ढंग से नहीं आई तो पाकिस्तान की तरफ गिन लूंगा सारों को, मजबूरी है साहब, क्या करें। देखिए, आपकी तालियां हमारी ऊर्जा होती है, खुराक होती है, हमारी तालियां मिलेंगी तो अच्छा पढ़ेंगे। ये भारत की भूमि यहाँ सब धर्मों का इंसान बसा, मैं पूछूं कितने लोगों के दिल में हिंदुस्तान बसा, मैं पूछूं कितने लोगों के दिल में हिंदुस्तान बसा। जब से आजादी मिली लुटेरों का राज यहाँ, नोच नोच खाने के सिवा ने कोई काम है। 70 साल का इतिहास पढ़ता हूँ हिंदुस्तानी राजनीति का, कि जब से आजादी मिली लुटेरों का राज यहाँ, नोच नोच खाने के सिवा ने कोई काम है। जितने भी राष्ट्र के बने हैं ठेकेदार यहाँ, सबकी बगल में छुरी है मुंह में राम है। झूठ घूसखोरी बेईमानी भ्रष्टाचार के तो शेर भारती के हो गए लगे गुलाम है। होना चाहिए था राम राज जहाँ भारत में, मुझको तो चोर वहां दिखते तमाम है, मुझको तो चोर वहां दिखते तमाम है। कहने को इनके दिल में और कहने को इनके दिल में और कण कण में बलिदान बसा, मैं पूछूं कितने लोगों के दिल में हिंदुस्तान बसा। 2014 के पहले जाइएगा साहब, पंक्तियां पढ़ता हूं कि वो जो ओढ़े बैठे हैं सफेद वस्त्र काले नाग, मौका लगते ही डस ले समूचे राष्ट्र को। वो जो ओढ़े बैठे हैं सफेद वस्त्र काले नाग, मौका लगते ही डस ले समूचे राष्ट्र को। वोट का प्रपंच रचे कुर्सी की चाहतों में, देखने की जिम्मेदारी दी थी धृतराष्ट्र को। लूट लूट देश को ये भरे हैं विदेशी बैंक, लूट लूट देश को ये भरे हैं विदेशी बैंक, बस चले बेच दे मैं दिल्ली वाले ताज को। और शेखर भगत राजगुरु की ये पावन भूख, कैसे है बचाए जाने आज अपनी लाज को, कैसे है बचाए जाने आज अपनी लाज को। कहने को इनके दिल में और कण कण में बलिदान बसा, मैं पूछूं कितने लोगों के दिल में हिंदुस्तान बसा। और देश का दुर्भाग्य देखिए, चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कह दिया गया साहब,
और जिसने कहा, दादा बस डेढ़ दो मिनट लूंगा और समापन करता हूं, जिसने कहा आज तक जिंदा घूम रहा है, मुझे एक घटना याद आती है उसके बाद एक बंद पढ़ूंगा और अपना स्थान ले लूंगा। चंद्रशेखर आजाद का जिन्होंने जीवन परिचय पढ़ा वो जानते होंगे कि वो अपने मां बाप की इकलौती औलाद थे। काकोरी कांड के बाद में काकोरी के जंगल में सारा धन लेकर बैठे थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, तमाम साथी। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा कि भैया आजाद, मैं चार रोज पहले गांव गया था, मैंने माँ को एक फटी सी धोती में लिपटे देखा जिस पर पैबंद लगे हुए थे, जिस पर थेकलियां लगी हुई थी, इसमें से कुछ धन माँ को बुढ़ापे के सहारे के लिए दे दो। जवाब सुनना उस बेटे का और उसके बाद पंक्तियां दूंगा। उस बेटे ने कहा कि भाई बिस्मिल, इसमें से अगर दो सिक्के भी मुझे माँ को देने पड़े तो उससे बेहतर मैं ये समझूंगा कि मेरी फैंट में, मेरी जो धोती में बची हुई गोलियां हैं, दो गोली माँ के सीने में उतार दूंगा ताकि आने वाली पीढ़ी मुझे खुद गर्ज ना कहे। ऐसे बेटे को जब आतंकवादी कह दिया जाता है सब पीड़ा होती है। पंक्ति पढ़ता हूं, हाँ भैया। मैं पूछूं कितने लोगों के दिल में हिंदुस्तान बसा, अन्न जिसका खाए रहे जानवर भी वफादार, वहशियों से गए गुजरे हुए आदमी, जिनको न देश प्रेम धन की ही लालसा है, लोकतंत्र के वो पहरुए हुए हैं आदमी, पैसे की बड़ी हवस लालच में गए फंस, अपनों की लाशों पे खड़े हुए हैं आदमी, और शेखर को आतंकवादी कहने वाले पागल, वो जाने कैसे जिंदा छोड़ दिए गए आदमी, जाने कैसे जिंदा छोड़ दिए गए आदमी, देश की खातिर अब मिटने का किस दिल में अरमान बसा, मैं पूछूं कितने लोगों के दिल में हिंदुस्तान बसा। और अंतिम चार पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान लेता हूं, जिस प्यार के साथ अब तक सुना उसी से विदा करना। कि राणा के शिवा के रानी, झांसी के सुपूत, तुम सोचिए वो खून का असर कहां खो गया, राणा के शिवा के रानी, झांसी के सुपूत, तुम सोचिए वो खून का असर कहां खो गया, देवभूमि ये महान वीरता की पहचान, शहीदों का सम्मान सोचो कहां खो गया, बाजुओं को लगा जंग सोनी हो गई क्यांक, बाजुओं को लगा जंग सोनी हो गई क्यांक, पैदा हो रहे कलंक ऐसा कैसे हो गया, एकता और राष्ट्र प्रेम के खिले थे फूल, जहां चोर डाकुओं का वहां राज कैसे हो गया, चोर डाकुओं का महाराज कैसे हो गया, मकारी हर दिल में घर में, मकारी हर दिल में घर में, जयचंद क्यों सुल्तान बसा, मैं पूछूं कितने लोगों के, मैं पूछूं कितने लोगों के, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। बहुत शानदार अभिव्यक्ति भाई सुल्तान ने दी, एक बार जोरदार तालियां पूरे सदन से आ जाएं।